अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ सिनाओ मार्केट के लिए। आज सुबह टाइम मैं गया था इधर इस्माइल में और फंजा में, और इसकी में एक दो कस्टमर थे वो देखते थे, तो तब मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी सेकेंड टाइम मैं जा रहा हूँ सिनाओ में। अभी जब से पाकिस्तान से आऊँ तो ये फर्स्ट डे है मेरा सिनाओ, क्योंकि मैं वेनसडे सिनाओ जाता हूँ, तो आज वेनसडे है, तो आज मैं जा रहा हूँ सिनाओ। टाइम हो चुका है 2:21। मौसम भी बहुत प्यारा है, बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी ये पीछे एक वादी चल रही थी। मौसम तो आज बहुत प्यारा है, देखिए कैसे। तो यहाँ पे एक क्लिजक में पेट्रोल स्टेशन है शेल का, वहाँ से मैं पेट्रोल फुल करूँगा उसके बाद एयरपोर्ट करके निकलूँगा इंशाल्लाह सिनाओ की तरफ। जी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमत है एक लीटर की 2.39 पैसा। जो पेट्रोल यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो 165 रुपये है एक लीटर की। पेट्रोल डलवा लिया और हवा भी पूरी होगी टायरों में, तो अभी मैं जा रहा हूँ सिनाओ। सिनाओ में अपनी जो ये जो नई वाली गाड़ी है टक्सन हुंडई की, इस पे मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रमज़ान में गया था छुट्टी जाने से पहले, अभी सेकंड टाइम जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कंफर्टेबल है। थकावट वगैरह नहीं होती, थकावट वगैरह तो पहले वाली गाड़ी में भी नहीं होती थी, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड मॉडल था इसलिए मैंने चेंज करना था तो चेंज कर लिया। फर्स्ट टर्मिनल में आज 4:28 हो चुके हैं, तो मैं सिनाओ के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। 4:30 सारी शॉप ओपन हो जाती है, अभी शॉप ओपन हो गई है, बस जाके अभी काम स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि शॉप ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। सिनाओ में भी यहाँ पे मौसम ठंडा है, क्योंकि अभी तक धूप नहीं निकली और बादल हैं आसमान पे, तो यहाँ पर भी कुछ गर्मी नहीं है। अब गर्मी बहुत कम हो गई, अभी क्योंकि काफ़ी देर से बादल हैं आसमान पे, तो इसलिए अब गर्मी भी कम हो गई है। ये आगे जाके ये एक रास्ता आता है दुकम, जहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का दुकम में, जहाँ पे पेट्रोलियम कंपनीज भी वहीं पर काम कर रही हैं, और दूसरी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी दुकम में हो रही है। तो हमारे भी जो प्रोजेक्ट टीम है वो काफ़ी जो सामान है कंस्ट्रक्शन का वो दुकम में भेजती है। तो ये दो सामने जो दो टंकी नज़र है नहीं, इसी वजह से पता चलता है कि हम लोग सिनाओ के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये सिनाओ यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये सिनाओ का लूलू आ जाता है, और लूलू के बाद आगे थोड़ा ही सिनाओ है, क्या तो आधा किलोमीटर होगा बस। ये सामने ये लूलू है, ये बिल्डिंग के बाद में मेरे राइट साइड पर मिलेगा लूलू। सिनाओ है वो बस शायद 1 किलोमीटर होगा बस। यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक हम्प है, हम्प की वजह से सारी ट्रैफिक को रोक के जाना पड़ता है। ये जी लूलू हाइपर मार्केट जो कि पूरे गल्फ में है जी। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सिनाओ में। यहाँ पे एक शॉप है फर्क टी टाइम, यहाँ से मैं चाय लूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है। आज खाना खा के मैं निकला हूँ, तो खाना खा के वैसे भी बहुत नींद आती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय का कप पी लूँ ताकि नींद तो कम हो गए। ये फ़र्क टी टाइम ये है जी सिनाओ का राउंड अबाउट। राउंड अबाउट से मुझे जाना है लेफ्ट सिनाओ बाज़ार की तरफ, इस साइड पर जो मैं इसका इंडस्ट्रियल एरिया है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो है सिनाओ का पूरी मार्केट है जहाँ पे शॉप वगैरह हैं। तो अभी फर्स्ट शॉप जो है ये अबू सुल्तान अभी तक तो ओपन नहीं हुई, क्योंकि ये आई थिंक ये 5 o'clock ओपन करेंगे, बाकी सारी शॉप तो ओपन होगी इंशाल्लाह।
नंबर। ये भी बंद है यहाँ पे, भी आज जाना भी नहीं है क्योंकि आज कोई इधर काम नहीं है। ऑलरेडी मैं फ़ोन पे बात कर चुका हूँ उनसे, कुछ ऑर्डर था वो ले लिए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो जहाँ से फर्स्ट कलेक्शन लेनी है वो कलेक्शन लेने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर जाएंगे हम तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी ये देखिए, ये आ गई फर्स्ट शॉप यहाँ पे जी। ये है जी मेरी फर्स्ट शॉप जहाँ से मैंने कलेक्शन लेनी है, आ गया हूँ मैं फर्स्ट शॉप जी। तो स्नो फिनिश हो चुका है, स्नो में मुझे 3 घंटे लग गए ऑलमोस्ट फिनिश करने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुदेबी में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मौसम भी देख लें, शाम का टाइम है और बहुत ही प्यारा मौसम है आज का। यानी आज काम करने का भी मज़ा है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी पहले। जब स्टार्ट में मैं घर से निकला हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक हो गया। तो अभी बाहर भी निकला हूँ इतना वो नहीं है, गर्मी नहीं है। लगता है बारिश होगी, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। हाँ जी, तो मुदेबी भी फिनिश हो चुका है। तो अभी एक शॉप बाकी आके, एक लिजक एरिया आता है मुदेबी के पास में ही है ये, वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ बस एक ही शॉप है फिनिश करके, उसके बाद मेरा काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सीधा मुझे घर जाना है। रात के 7:14 हो चुके हैं, पूरा काम फिनिश हो गया। ये जो लास्ट शॉप थी ये भी हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को। तो तकरीबन यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटा लगेगा मुझे घर पहुँचने में। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।